आज हम लोग पढ़ेंगे जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरणों को कह रहा है कि एक रैखिक समीकरणों में बदलिए। पहले से समीकरण जो है विदाउट रैखिक समीकरण का दिया हुआ, मतलब कि रैखिक समीकरण के रूप में नहीं लिखा हुआ है, और कह रहा है कि इसको रैखिक समीकरणों में बदलिए और बदल के तब क्या करिए, सॉल्व कीजिए। देखिए पेपर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है 6 नंबर का होता है, अगर किसी में मॉडल होगा खुद देखिएगा, ये पे क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाओ क्वेश्चन से, ठीक है। अंक बदल सकता है, देखो पेपर में क्वेश्चन होता है अंक बदल जाए लेकिन रूल नहीं बदलता है। आपको रूल, बस रूल पकड़ लिए ना तो सारे क्वेश्चन क्या कर दो आप लोग लगा दोगे ऐसे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि रैखिक समीकरणों में बदलिए और बदल क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए ध्यान देखना, यहाँ पे पहला समीकरण दिया है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा है, 10xy दिया है। देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। और दूसरा दिया है कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया आपका, 6xy दिया है। मान लीजिए समीकरण हमारा क्या हो गया, एक हो गया, एक क्या हो गया हमारा, दो हो गया। अगर समीकरण एक और दो को जोड़ दिया जाए तो देखिए एक्स वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जे कटेगा तो एक्स एस कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10 से घटाइए 6 कितना बचेगा, सॉरी जोड़ रहा है ना, 10 से कितना होगा 16xy। देखिए एक्स से एक्स क्या हो गया, 2 बराबर कितना हो गया 16y, तो वाई बराबर 2 किसे आएगा, अभी बटा में जाएगा भैया ना, ये गलतियां नहीं करना, कितना आएगा 1/8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान निकल गया कितना, 1/8। अब y का मान क्या करना है, उठाना है आपको समीकरण एक में अथवा दो में रख देना है। अब देखो एक में को रखना है, y बराबर 1/8 समीकरण एक में, एक में रखने पर तो ध्यान दीजिएगा x का मान x प्लस, देखिए जहाँ वाई वहाँ क्या रखना है, 1/8 बराबर 10, जहाँ x वहाँ क्या रखना है, एक्स का मान निकालेगा, y के क्या रखना है, 1/8 रखना है। अब देखो यहाँ पे कटा 2 5 10 और 2 4 8 कितना मिला, 5x/4 कितना मिला, 4 मिला। तो क्या करना है, जो है x दिया है, x वाले को साथ करेंगे ना, तो इस x को उठाइए इधर ले, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं कर दे रहा हूँ, देखो भाओ कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर लाओ, 5x/4 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/8, 4 1 4, 5x माइनस 4x/4 बराबर कितना, 1/8, 4 2 8, 5 घटाओ 4, एक्स बचेगा कितना, आंसर आ गया 1/2। ये थोड़ा क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ था कि रैखिक समीकरणों में बदलिए, बदल करके इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इसको, ये तो थोड़ा आसान दिया था अपने, कर लिया, इसको कैसे बदलेंगे समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ध्यान देना है कि 7x-2y/xy बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, यानी क्या 8x+7y/ कितना दिया है, एक्स वाई। ये बताओ जो एक्स वाई है इसका भी लॉस होगा, इसका भी एलसीएम होगा, और यह अभी जो एक्स वाई है तो इसका भी एलसीएम होगा और इसका भी क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा कि जब एलसीएम होगा तो लिखोगे 7x/xy-2y/xy बराबर कितना हो गया, 5। भाई जो एक्स वाई है इसका भी एलसीएम है, इसका भी एलसीएम है, दोनों के बटा होगा ना। अब बताइए एक्स एक्स क्या हो गया, वाई से वाई क्या हो गया, क्या मिला, 7/y-2/x बराबर कितना मिला, 5 मिला। इसी प्रकार से इसको बदल लीजिए तो क्या होगा, 8x/xy-7y/xy बराबर कितना हो गया, 15। एक्स एस क्या हो गया, ये भी कट गया, तो क्या मिला, 8/y-7/x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब इसको सिंपल तरीके से लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ मानेंगे कि माना 1/y दिया है उसको मान लो क्या माने, कोई अंक दूसरा मान लो, कोई अचर मान लो, p मान लो, q मान लो, s मान लो, जो तो क्या माने बताओ। मान लीजिए मैंने मान लिया कि माना, ध्यान सुनना, माना 1/y बराबर p मान लिया, ठीक है, इसके बाद 1/x बराबर क्या मान लिया, q मान लिया, मान लिया
अब कहोगे सर ये पी क्यों ना मानो, हम ए बी मानो, मान ली, अंक नहीं मानना है ऐसा में ना, अंक नहीं मानना है, इसके अलावा कुछ मान सकते हो। अब ध्यान समय ना आपको, या मान लिया, देखो मान रखो यहाँ पे, अब बताओ एक बटा वाई के मान कितना पी है, तो क्या हो जाएगा सेवन पी, भाई सात है ना यहाँ पे, सात गुणे पी क्या हो जाएगा सात पी, इसको यहाँ रख दो तो क्या होगा माइनस दो क्यू बराबर कितना हो गया पाँच, इसे क्या मानेंगे समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से यहाँ समझिए, यहाँ भी माने हो कि सर जी एक बटा वाई के मान कितना पी है, तो क्या हो जाएगा आठ पी प्लस सात क्यू बराबर कितना हो गया पंद्रह, समीकरण कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करना आपको है, अब इसे विलोपन से लगाइए से प्रतिस्थापन से लगाइए, बाउंडेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि आठ पी लिखल, यहाँ क्या लिखा है सात पी, कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ क्या लिखा है सात क्यू लिखा है, यहाँ कितना लिखा है टू क्यू लिखा है, कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है, या बराबर नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से लगा दो प्रतिस्थापन लगा दो। देखो समीकरण एक से सात पी बराबर, देखिए माइनस दिया है इधर, तो क्या होगा प्लस, तो कितना होगा पाँच प्लस कितना हो गया टू क्यू, अब पाँच प्लस टू क्यू हो गया यहाँ पे, तो पी बराबर पाँच प्लस टू क्यू बटा कितना हो गया सात, अब पी का मान, पी का मान समीकरण दो में क्या करेंगे रखने पर, रखिए उठाइए पी का मान, क्या करेंगे यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा आठ ब्रैकेट में पाँच धन टू क्यू बटा के सेवन प्लस सात क्यू बराबर कितना हो गया पंद्रह हो गया, गुणा करिए आठ पचे चालीस, आठ दुना के सोलह क्यू बटा में सात प्लस सात क्यू बराबर पंद्रह, देखिए जोड़ेंगे तो सात सते उनचास, चालीस प्लस सोलह क्यू प्लस उनचास क्यू बराबर पंद्रह छः नब्बे, अब पंद्रह सते एक सौ पाँच, और चालीस इधर क्या हो जाएगा माइनस सोलह उनचास जोड़िए नौ छः पंद्रह को पाँच चार चार एक पाँच छः पैंसठ क्यू बराबर एक सौ पाँच माइनस चालीस हो जाएगा, एक सौ पाँच घटाओ चालीस कितना बचेगा पैंसठ बचेगा, पैंसठ परसेंट क्या हो गया कट गया, क्यू का मान कितना आ गया एक आ गया ऐसा में। अब जब क्यू का मान निकल गया तो क्या करेंगे, इट इज हॉट समर, आज बड़ी गर्मी है, ध्यान देना है क्यू का मान कितना है एक दिया है, क्यू बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, क्यू बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, जब क्यू का मान एक उठाइए आई समीकरण एक है ना रख दीजिए तो क्या मिलेगा सेवन पी माइनस टू क्यू बराबर पाँच, जहाँ क्यू वहाँ का रखना है एक रखना है, दो का गुणा करवा एक में कितना बचल एक बचल, अब देखा दो एकमा दो इधर लाओ तो क्या हो जाएगा सात पी बराबर पाँच दो कितना हो गया सात, सात से सात क्या हो गया कट गया, तो पी का मान कितना आ गया एक, तो पी का मान कितना आ गया एक, और क्यू का मान कितना आ गया एक आ गया। अब ध्यान देना है आप पहले से मान चुके हो कि सर जी एक बटा वाई बराबर कितना है पी, और एक बटा एक बराबर कितना है क्यू, अब यहाँ पे मान रखेंगे देखिए एक बटा वाई बराबर पी है, अब पी का मान कितना आइला एक आइला, ये बताओ एक बटा वाई बराबर पी का मान एक है तो वाई का मान कितना आ गया एक आ गया, इसी प्रकार से एक बटा के एक्स बराबर क्यू माने हो और क्यू का मान कितना आइला एक के आइला, तो एक्स का मान कितना आ गया एक, आंसर हो गया एक्स बराबर एक वाई बराबर एक, ये क्या हो गया। इस प्रकार से इसको बदल के क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, और पेपर में एक प्रश्न आया है जाके किसी का मॉडल मांग कर देख लीजिएगा, एक पेपर में एक क्वेश्चन आया है सात नंबर का, ठीक है इसको सात नंबर का आता है, कह देगा दे देगा यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है उसे रैखिक समीकरणों के रूप में बदलिए और बदल के क्या करिए सॉल्व कीजिए।